नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल वन डे एंड अदर एग्जाम चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एसएससी संबंधित, ठीक है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एसएससी अब अपने जो एग्जाम के कैलेंडर होंगे वह साल भर का कैलेंडर अब ये जारी करने वाला है, तो इसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी लेंगे, ठीक है, और पेपर में न्यूज़ भी आया है उसको भी हम आपको दिखा देंगे। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एसएससी में या कोई भी आयोग यूपी का परीक्षा होता है तो उसमें लेट लपेट लगी रहती है, ठीक है। वह समय से एग्जाम ना करा पाते हैं, ना कोई तिथि घोषित कर पाते हैं, ठीक है, ना वैकेंसी निकाल पाते हैं समय से। तो इसके लिए यूपी ट्रिपल एसएससी ने एक अहम रोल अदा करने जा रहा है। वह अब साल भर के लिए कैलेंडर घोषित करेगा, ठीक है। इसके लिए इन्होंने सारा प्रोफार्मा तैयार कर लिया है, जैसे कि अभी न्यूज़ भी दिया है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें जैसे कि यूपी ट्रिपल एसएससी ने पहले क्या होता था कि जब एग्ज़ाम होने वाले होते थे उस समय ये घोषणा कर देते थे कि ये एग्ज़ाम अब होने वाला है, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। अब ये लोग पहले ही कैलेंडर जारी कर देंगे कि किसका एग्ज़ाम कब पड़ेगा, ठीक है, उसी हिसाब से ये लोग वैकेंसी भी निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो पेपर दिया गया है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एसएससी द्वारा, तो इसमें दिया है दिसंबर तक की चयन परीक्षाओं का जो कैलेंडर है वह तैयार कर रहा है यूपी ट्रिपल एसएससी, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसकी जो परीक्षाएं केंद्र हैं तो इसके लिए इन्होंने जितने भी परीक्षा के केंद्रों के विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं उनसे जानकारी मांगी है कि उनके जो परीक्षा केंद्र है कब कब खाली है, ठीक है, उसी हिसाब से ये कैलेंडर बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें लिखा है कि जो पिछली परीक्षाएं लंबित हैं, ठीक है, उसके लिए भी ये लोग जोर शोर से लगे हुए हैं और जल्द ही अभी इनमें ग्राम पंचायत अधिकारी और क्षेत्रीय व कल्याण अधिकारी जैसे जो पद के आवेदन आए हैं उसकी तिथि तो बीत चुकी है, और जो अभी कृषि प्राविधिक के लिए है अब उसका भी चल रहा है। तो इसके लिए भी इन्होंने क्या किया है कि जो परीक्षाएं कराई जानी हैं तो इसमें नलकूप का जो एग्ज़ाम कराया जाना है इसमें 3210 पदों के लिए, तो ये 2 सितंबर को कराएंगे, और इसके साथ ही जो क्षेत्रीय व कल्याण अधिकारी के हैं वो 16 सितंबर को इन्होंने परीक्षा तिथि घोषित कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद आगे जो है ये लोग वैकेंसी निकालेंगे और जो एग्ज़ाम बचे हुए हैं वीडियो वीडियो का, ठीक है, तो उसके लिए अब ये पहले ही तिथि घोषित कर देंगे दिसंबर तक के लिए, ठीक है। और अगर इस तरह से कोई भी न्यूज़ आपको आती है तो मैं आपको ज़रूर अवगत कराता रहूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमको लगा कि ये नई न्यूज़ है यूपी ट्रिपल एसएससी का जो कैलेंडर जारी कर रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ना पसंद आई तो डिसलाइक करें, और अगर चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, धन्यवाद।